Assalamualaikum, नमस्ते ससुरे अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, गंधारी को पता चल चुका है उसके पति देव की आंखें नहीं है, लेकिन वो शादी से मना नहीं करती, अपनी जनता के लिए वो ये बलिदान दे रही है। आइए मिलकर देखते हैं आगे क्या होता है अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब हमें चलते हुए ठेस लगती है तो हम मुड़कर अवश्य देखते हैं कि दोबारा वहीं पर ठेस ना लगे, किंतु गुरु कुमार ने तो एक ही ठेस बार बार खाई होंगी ना। उन्हें अंधकार के भय ने कभी घेरा नहीं होगा। कुमारी, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास। किंतु मुझे इन प्रश्नों का उत्तर खोजना पड़ेगा। उजालों का आश्रित अब समाप्त, मुझे इस अंधकार के साथ मैत्री करनी होगी। इसी अंधकार में मुझे मेरे वैवाहिक जीवन की सफलता का पथ पथ दिखेगा। जाओ सुल्तान। जाओ सुल्तान। प्रणिपात माता। आयुष्मान भव पुत्र। माता वो गांधारी को मैंने कल देखा। गांधार नरेश का परिवार जिस अतिथि गृह में ठहरा है वहां प्रांगण में बैठी थी। बहुत सुंदर है वो। लो ये पहन। एक और आभूषण माता। यह आभूषण नहीं,
रक्षण। अब चलो, राजमाता तुम्हें विवाह मंडप ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। पांडु कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माता। पांडु, हम तो अपने आप को देख भी नहीं सकते। तुम बताओ, हम कैसे लग रहे हैं? आज गांधारी के साथ हमारी प्रथम भेंट है। आपका पराक्रम पूरे गांधार में परिचित है। आपकी छवि गांधार कुमारी के नेत्रों में आपकी भेंट से पहले ही पता लग चुकी है। अब चलो, विवाह का मुहूर्त निकट। जी। प्रणिपात राजमाता, अतिथि गृह में जाकर गांधार नरेश को संदेश दीजिए। गांधारी को लेकर शीघ्र ही आधा है, विवाह का मुहूर्त निकट है। उनका दूत अभी अभी ये संदेश लेकर आया है राजमाता, कुमारी गांधारी का श्रृंगार हो रहा है। अगले 2 कटिका में वे सब यहाँ आने के लिए निकलेंगे। हो गया श्रृंगार सुखता। जी हाँ कुमारी, अब तो तुम सब कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करो। मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दो। तो कुमारी, विवाह का समय हो गया, आने वाले समय को मेरी प्रतीक्षा करने दो। मैं कुछ क्षण अकेले रहना चाहती हूँ। जाओ सुखता। Thank you.
क्या बात है जी, गंधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने लगी है शायद, और ऐसा वो क्यों कर रही है? मेरा ख्याल में तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय वो भी उस फीलिंग को महसूस करना चाहती है जो पतिदेव के साथ है, कि उसने अपनी कितनी ठोकरें खाई होगी अपनी आंखों की। अब एक छोटी सी चीज़ अपनी कुछ लम्हे के लिए जैसे उसने आंखें बंद करी, हम भी सोचेंगे यार हम अपनी आंखें बंद करें, और लेकिन दुनिया और ये सोचे कि हमें कुछ अब आगे हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो, और कितनी बड़ी नेमत है ये हमारी आंखें, और इसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जिनके पास ये नहीं होता उनको देखना चाहिए और उनको देख के शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पे जो गंधारी है, अब देखिए उसका एक तरह से दिल टूट गया, जो सपने वो सजा कर बैठ गई थी, अब वो सारे चूर चूर रेजा रेजा हो चुके हैं, लेकिन अब अगली की जिंदगी उसने गुजारनी है, कैसे गुजारनी है ये तो आने वाला समय और टाइम ही बताएगा कि खुशियों भरा जीवन उसको मिलता है या कांटों की सेज मिलती है और क्या मिलता है क्या नहीं। लेकिन खैर अब ये चीज देखे ना कि एक राजकुमारी है जिसको बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, हाँ, और फिर उसकी शादी उससे हो रही है जो जिंदगी में कुछ जिसके अंधेरे में गुजरी और आगे वो खुद की जिंदगी जो है वो सोच रही है कि मैं भी जो है मेरे पति को नहीं नजर आ रहा, मैं भी नहीं देखूंगी। वो एक लम्हे के लिए उसने आंखें बंद की और वो चौंक गई है, तो अब वो पट्टी आंखों में बांध के जो है वो दुनिया को पति को नहीं नजर आ रहा तो मैं भी नहीं, दुनिया को किसी भी आंखों से देखता है। हाँ, देखेंगे वो उसने पहले अपना अच्छी जो है ना बेटी होने का फर्ज निभाया और अब वो अच्छी पत्नी होने के नाते वो चाह रही है कि मेरे पति को ये ना लगे कि भाई मैं अंधा हूँ और मेरी बीवी जो है ना वो देख सकती है, तो उसको जो है ना बराबरी महसूस दिलवाने के लिए कि मैं भी आपके लिए योगदान दे रही हूँ, मैं अपना बलिदान दे रही हूँ, अपने माँ बाप के लिए भी दिया है, अब मैं ये नहीं चाहती कि किसी वजह से भी आपके दिल में आए कि आप अंधे हैं। जैसे कि वो अपने भाइयों को कह रहे हैं कि आप वो हमें हेल्प की थी उसने पहले एपिसोड में, तो तुम चाहते हो बताया कि मैं अंधा हूँ, तो वो उस चीज को देखते हुए माइंडसेट को देखते हुए वो पहले से ये दिखाना चाहती है अपने पति देव को कि आप ये मत समझिएगा कि मैं भी दूसरों की तरह आपको चल गए, ये तो आगे जाके पता चलता है क्या कहते हैं, जब मंडप में आएगी जब उनकी आपसी जो बिल्कुल मुलाकात होगी तब भी बता देंगे सामने आएगी। अभी से तो अच्छा चल रहा, लेकिन अभी के लिए तो अंदाजा ही लगा रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। ये सभी वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।